तो हम लोग अभी क्या पढ़ेंगे, फर्नेस, थर्मोस्टेट, आउटडोर यूनिट, हीट पंप कंट्रोल कनेक्शन का सर्किट का जो इसका पिछला टॉपिक में हम बता रहे थे कि सर्किट का इसका डायग्राम बनता है, उस डायग्राम के बारे में हम डीपली जानकारी लेंगे, विस्तृत जानकारी लेंगे किस तरह से बनता है। तो कह रहा है कि रिहायशी स्पीड सिस्टम और पंखे की क्वाइल की या फर्नेस के कंट्रोल सिस्टम को कई तरीकों से कनेक्ट किया जाता है। हम आपको तीन डायग्राम बताए थे जिसमें क्या होता है कि एयर कंडीशन कंट्रोल वायरिंग के जरिए करते हैं, एक होता है फर्नेस टर्मिनल बोर्ड के द्वारा, और एक होता है फर्नेस थर्मोस्टेट कंडेंसिंग यूनिट, और एक क्या होता है तो लो वोल्टेज कंट्रोल यूनिट के जरिए सप्लाई करते हैं, और एक विशेष कंट्रोल यूनिट होता है जिसपे किस पे काम करता है, न्यूमेरिक इलेक्ट्रॉनिक यूनिट कंट्रोल सिस्टम इलेक्ट्रॉनिक, क्या इसे क्या बोलते हैं, न्यूमेरिक इलेक्ट्रॉनिक यूनिट। यानी कि चार तरह से हम इस सिस्टम को वायरिंग कर सकते हैं। अब हम जानते हैं कि जो हम पिछले टॉपिक में डायग्राम बनाए थे उस सर्किट को किस किस तरह से जोड़ा जाता है उसका विस्तृत जानकारी लेंगे। तो कह रहा है कि इसलिए टेक्नीशियन को हमेशा निर्माता एवं इंस्टॉलेशन निर्देशों का पालन करना चाहिए, यानी कि किस कंपनी द्वारा वो मैन्युफैक्चर किया गया है, उस पर क्या क्या कौन सा निर्देश दिया हुआ है, लाइन को किस तरह से जोड़ने का उसमें कॉलम बनाया हुआ है यानी कि इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है, हार्ट को, बॉडी हार्ट को, फेस लाइन को किस तरह से जोड़ना है, वो सब आपको निर्देश दिए हुए रहते हैं। कितना एमएम का तार होना चाहिए, कितना व्यास होना चाहिए उसकी, कितनी लंबाई पर हमें एक पाइप यानी कि जो पीवीसी पाइप हम लेंगे उसमें कितना एमएम तक का कट करना चाहिए, ये सब निर्देश दिए हुए रहते हैं। और आपको वायरिंग जो करवाना है वो काफ़ी एक्सपीरियंस्ड इलेक्ट्रिशियन के द्वारा ही करवाना चाहिए, क्योंकि वायरिंग तो आप और हम कोई भी कर सकते हैं लेकिन अधूरा वायरिंग रहेगा, कर भी दिए उसे बाद में हमें प्रॉब्लम होगा कि हम फेज कहाँ दिए थे, न्यूट्रल कहाँ से दिए थे, और डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड में किस तरह से हम उसको किए हैं, वो आपको हो सकता है कि हम भूल जाए। तो इसके ना भूले इसके लिए मैं बताया था कि क्या करना है, एक डाटा बेस प्रणाली होती है जिसको हम उस डाटा के अनुसार जो जो वायरिंग की है उसमें नोट डाउन कर लेंगे, इससे आप भूलेंगे भी नहीं और आपको याद भी रहेगा, और कब हम उसको स्थापना करवाए थे यानी कब इंस्टॉल किए थे, कब वो पूरा हुआ, कितने दिन में पूरा हुआ, और परीक्षण जब करवाएं तो उसका क्या सुझाव हमको मिला, वो सब उसमें नोट कर दिया जाता है। ये सब हम पिछला टॉपिक में पढ़ चुके हैं और अभी हम पढ़ा रहे हैं कि सर्किट का वर्णन किस तरह से किया जाएगा, जिस तरह से जोड़ा हुआ रहता है सभी टर्मिनल में, उसके बारे में अभी जानकारी लेंगे। अगर छोटे व्यवसायों में कंट्रोल सिस्टम का कंट्रोल सिस्टम का इंस्टॉलेशन डिजाइन इंस्टॉलेशन डिजाइन में इंस्टॉलेशन डिजाइन में काफी हद तक रिहायशी लो वोल्टेज काफी हद तक लो वोल्टेज रियायती लो वोल्टेज
सिस्टम से मिलता जुलता होता है। सिस्टम से मिलता जुलता होता है, मिलता जुलता होता है। अंतर केवल इतना होता है कि अंतर केवल इतना होता है कि अंतर केवल इतना होता है कि छोटे व्यवसायों के कंट्रोल सिस्टम में छोटे व्यवसायों के कंट्रोल सिस्टम में कंट्रोल रिले प्रयुक्त होता है। कंट्रोल रिले
और यहाँ जी पैकेज एयर कंडीशनिंग, क्या होता है यहाँ से पैकेज एयर कंडीशनिंग वायरिंग। दूसरा क्या होता है फर्नेस टर्मिनल बोर्ड, ये भी एक तरह का वायरिंग इसमें किया जाता है। दूसरा है फर्नेस थर्मोस्टेट कंडेंसिंग यूनिट वायरिंग। चौथा होता है न्यूमेरिक इलेक्ट्रॉनिक वायरिंग, न्यूमेरिक इलेक्ट्रॉनिक वायरिंग। ये क्या होता है वैसे जगह होता है पावर सप्लाई पावर डिस्ट्रीब्यूशन यूनिट सिस्टम जो रेडियोएक्टिव पदार्थ के जरिए बिजली उत्पन्न की जाती है, जो उसका वायरिंग की जाती है उसको केवल हम जानकारी ले सकते हैं, उसका व्याख्यान कर सकते हैं, लेकिन उसको आध्यात्मिक रूप से हम नोट डाउन नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि उसका विश्लेषण अपने आप में ही बहुत बड़ा रुचिकर होता है। अगर उसका हम अध्ययन विश्लेषण करने लगेंगे तो वो बहुत दिन लग जाएंगे। तो इसलिए केवल यही चार के बारे में अभी बता रहे हैं, यही कह रहे हैं कि कनेक्शन कई तरीकों से कर सकते हैं। इसलिए टेक्नीशियन को हमेशा निर्माता यानी कि मैन्युफैक्चरिंग जो मैन्युफैक्चर कंपनी है जो बनाती है एवं इंस्टॉलेशन निर्देश का पालन करना पड़ेगा। क्या था भारतीय इलेक्ट्रॉनिक नियामक बोर्ड के द्वारा क्या बनाया गया था 776 से 1972 और संशोधन अधिनियम क्या है 1952 में किया गया था। फिर जो लास्ट इलेक्ट्रिशियन इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड द्वारा संशोधित अधिनियम क्या है 2002 उसमें क्या बोला गया था कि निर्माता कंपनी द्वारा उस पर सभी कौन कौन सा कितना एम्पियर का आप वायर यूज कर रहे हैं उसमें कौन सा वायर दिया गया, किस टाइप का पीवीसी वायर है वीआईआर वायर है, किस टाइप का वायर हम इंस्टॉलेशन के रूप में दे रहे हैं कस्टमर को कंज्यूमर को, उसका पूरा वो डिटेल दे दिया होना चाहिए, वो डिब्बे पर हो या फैन पर हो या जो भी प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड उस पर आपको लिखा हुआ होना चाहिए, मैन्युफैक्चरिंग डेट होना चाहिए, एक्सपायरी डेट होना चाहिए, ये लीगली रूप से ऑथेंटिक रूप से दर्शा दिया जाना चाहिए। जैसे कि हम लोग एसी ही यूज करते हैं एयर कंडीशन, तो क्या होता है उस पर टर्मिनल तो दिया हुआ रहता है जहाँ पर हम न्यूट्रल वायर को और फेज वायर को लाइन वायर को जो भी हम उसमें कनेक्ट करते हैं और अर्थ को बॉडी अर्थ को उसमें लाइन उसमें सिंबल दिया हुआ रहता है एल एन बी यानी बॉडी अर्थ इस तरह से दिया हुआ रहता है, उसी में हम वायर कनेक्ट करेंगे उसके बाद से स्क्रू से टाइट कर देते हैं। इस तरह से निर्देश दिया हुआ होना चाहिए कितना वोल्ट है कितना एम्पियर या लेगा हमें कितना उसके लिए हमारा कि डेढ़ का स्लिप या कैसेट एसी है एयर कंडीशनर है तो उसमें कितना एम्पियर का पावर सप्लाई देंगे पावर बोर्ड से हम सप्लाई देंगे तो उसमें 16 एम्पियर से 32 एम्पियर के लिए होगा, एक डेढ़ टन का है या एक टन का या दो टन का सब के लिए 16 एम्पियर से 32 एम्पियर तक का पावर सप्लाई या एसी भी लगाएंगे। तो इस तरह से उसमें इंस्ट्रक्शन दिया हुआ रहता है, अगर इंस्ट्रक्शन नहीं दिया हुआ है तो समझेंगे वो कंपनी का ब्रांड हमें नहीं लेना है और वो भारतीय विद्युत नियामक बोर्ड के निर्देशों का उल्लंघन कर रहा है और ये उस कंपनी के ऊपर कार्रवाई भी कर सकती है, यानी कि दंडनीय अपराध है। जो ले रहा है वो भी दंड का भागी बनेगा और जो बेच रहा है वो भी दंड का भागी बनेगा। इसलिए क्या करें इसलिए टेक्नीशियन को हमेशा निर्माता एवं इंस्टॉलेशन निर्देशों का पालन करना चाहिए। इंस्टॉलेशन मतलब स्थापना जब हम वायरिंग को अपने घर में करवा रहे हैं। अपना छोटे व्यवसायों को कंट्रोल सिस्टम का इंस्टॉलेशन डिजाइन जो आपको पिछले टॉपिक में बता रहे थे कंट्रोल सिस्टम का किस तरह से वायरिंग की जाती है, तो कंट्रोल सिस्टम इंस्टॉलेशन डिजाइन में काफी हद तक रिहायशी लो वोल्टेज से मिलता जुलता होता है। रिहायशी लो वोल्टेज में कितना होता है 24 वोल्ट तक के लो कंट्रोल सिस्टम पर सप्लाई दी जाती है
अंतर केवल इतना होता है कि छोटे व्यवसाय के कंट्रोल सिस्टम में कंट्रोल रिले प्रयुक्त होती है। क्या होता है? कंट्रोल रिले। रिले का क्या काम है? उतना ही वोल्टेज को कवर करना जितना आपको जरूरत है। जैसे हमको चाहिए 160 वोल्ट, 160 वोल्ट हमें चाहिए और सप्लाई हमें मिल रही है फुल 240 वोल्ट, निश्चित ही ऑटो कट है, ज़्यादा वोल्टेज मिल रहा है। तो रिले को क्या करेगा, वो उतना ही बिजली को ऑब्जर्व करेगा और जितना आपको चाहिए उतना छोड़ेगा, यानी कि उतना ही आपको धारा में करंट को प्रवाह करेगा। अगर हमको लो वोल्टेज मिल रही है तो अपनी क्षमता के अनुसार, हमें चाहिए 180 वोल्ट और अभी मेरे पास करंट में वोल्टेज कितना है 160 वोल्ट, तो क्या करेगा वो उसको बढ़ा के 180 तक करेगा, जितना ज़्यादा उसे जितना कैपेसिटी होगी या आप में हमें भी जितना काम की कैपेसिटी होगी उसके अनुसार से करेंगे, थोड़ा सा ज़्यादा उसे बढ़ा के कर सकते हैं जरूरत के अनुसार। तो इसमें भी वही है। तो क्या करता है कि जो कि कंट्रोल रिले प्रयुक्त होती है, कंट्रोल रिले किसमें होता है, रिहायशी लो वोल्टेज में, जो कि केवल 24 वोल्ट के बजाय कितना देता है 240 वोल्ट कंडेंसिंग को वोल्टेज और सप्लाई करता है, जो कंडेंसर हम लगाए हुए हैं या कैपेसिटर, और उसके बाद जो डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड है उसमें कितना है 24 लो वोल्टेज, यानी कि जो लो वोल्टेज है उसके बजाय क्या करता है वो फुल वोल्टेज 140 वोल्ट पे वो देता है, सप्लाई देता है। लो वोल्टेज कंट्रोल सिस्टम के साथ टू स्टेज हीटिंग और टू स्टेज कूलिंग, टू स्टेज हीटिंग और टू स्टेज कूलिंग होता है क्या? तो टू स्टेज कूलिंग में जैसे हम एक छोटा सा एग्जाम्पल देते हैं, कंप्रेसर देखे होंगे, कंप्रेसर का हमें होता है तो आप एयर कंडीशन के आउटडोर में जहाँ पर हम इतना बड़ा सा बॉक्स टाइप का रहता है जिसमें फैन लगा हुआ रहता है, वो क्या करता है अंदर के गर्म हवा को बाहर निकालता है। कैसे निकालता है? तो कंप्रेसर में आउटडोर में बाहर में ही कंप्रेसर लगा हुआ रहता है, उसमें दो पाइप निकले हुए रहते हैं, एक क्या होता है एक कूलिंग के लिए होता है और एक हीट वायर हीट के लिए होता है, यानी कि अंदर का जो हवा जो अंदर फील के लेके आ रहा है रूम में से और उसमें कंप्रेसर में क्या कर रहा है इंस्टॉल कर दे रहा है, और फिर उसको किसके जरिए बाहर निकालता है वो जो आपका फैन चल रहा है, फैन मोटर, आउटडोर फैन मोटर। OTF कल सबके बारे में फुल फॉर्म में लिखवाए थे। और टू स्टेज हो रहा है और एक स्टेज होता है, पहला स्टेज क्या हुआ तो वो लेकर आया अंदर से इंडोर से क्या लेकर आया कंप्रेसर में, दूसरा स्टेज क्या हुआ कि कंप्रेसर को इंडोर से आउटडोर में बाहर भेजता है, यानी कि वो सीधे बाहर का रास्ता दिखा देता है कि भाई आप जाइए आपका काम नहीं है। उसी तरह से टू स्टेज कूलिंग का उपयोग किया जाता है, टू स्टेज कूलिंग क्या होता है जिससे से वो क्या कर रहा है कि एक जो बाहर का नमी है मॉइस्चर है वो अंदर कंप्रेसर में लेके आता है, ये पहला हो गया। दूसरा क्या है किया कि जो उसमें हम लोग अभी नेफ्रॉन नेफ्रॉन गैस का यूज करते हैं क्योंकि अब WHO WHO और वैज्ञानिकों द्वारा जो संबंधित सुझाव दिया गया था, निर्देश दिया गया था सख्ती से पालन करने के लिए कि CFC गैस का जो हम फ्रिज में एयर कंडीशन में जो यूज करते हैं वो हमारे स्वास्थ्य के लिए और हमारे वातावरण वायुमंडल के लिए बहुत हानिकारक है। क्यों हानिकारक है? कि उससे ओजोन लेयर को हानि पहुँचता है। तभी तो अंटार्क्टिका के ऊपर क्या था, 10 किलोमीटर लंबा क्या हो गया था, छिद्र हो गया था, मामूली सा छिद्र था लेकिन वो 10 किलोमीटर लंबा था। उसे क्या हो रहा था कि गर्मी बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी, यानी कि ओजोन लेयर के लिए हानिकारक है। तो क्या हुआ कि नेफ्रॉन, उसकी जगह कौन सा नेफ्रॉन और नाइट्रोजन का गैस यूज किया जाता है जो कि वायुमंडल के लिए हानिकारक उतना नहीं है, है लेकिन उतना नहीं है क्योंकि नाइट्रोजन हमारे वायुमंडल में सबसे ज़्यादा मौजूद है 46%। जब उसकी मौजूदगी उतना हाई है और जब उसमें से एयर कंडीशनर से नाइट्रोजन निकल के जाएगा भी तो उसी को पूर्ति करेगा,
तो क्या करता है, किस सिस्टम पे काम करता है, टू स्टेज हीटिंग सिस्टम और टू स्टेज कूलिंग सिस्टम। इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा और याद कर लीजिएगा क्योंकि एग्जाम में पूछेगा ही पूछेगा, यानी कि अत्यंत आवश्यक है। अब कह रहा है अधिकतर स्थितियों में अधिकतर स्थितियों में 24 वोल्ट कंट्रोल वायरिंग एक छोटा वायर होता है, होता है जो कि मल्टी स्टेज होता है। मल्टीस्टेन होता है जो कि एक रबर की जैकेट से ढका होता है, जो कि एक जैकेट से कंट्रोल वायरिंग के आकार निर्माता के निर्देशों के अनुसार होना चाहिए। कंट्रोल आकार निर्माता के निर्देशों के निर्माता के निर्देशों के अनुसार होना चाहिए। एयर कंडीशन और हीटिंग सिस्टम की बारे एयर
एयर कंडीशनिंग और हीटिंग सिस्टम और हीटिंग सिस्टम की वायरिंग को इंस्टॉल करना सबसे महत्वपूर्ण कार्य है। इंस्टॉल करना कंट्रोल सिस्टम किसी भी इलेक्ट्रिक सिस्टम का किसी भी इलेक्ट्रिक सिस्टम का सिस्टम का महत्वपूर्ण अंग होता है। जो कि इसका कार्य है पूरे सिस्टम को किसी भी ढीले कनेक्शन या अनियमित किसी भी ढीले कनेक्शन या अनियमित आकार के वायर नियमित आकार का वायर प्रयुक्त करने पर कोई भी उपकरण खराब हो सकता है। खराब हो सकता है।
इसलिए सभी उपकरण के वायरों का और इनका इंस्टॉलेशन भी इंस्टॉलेशन भी समुचित निर्देश समुचित निर्देशों का पालन करते हुए होना चाहिए। क्या कह रहा कि एयर कंडीशन और हीटिंग सिस्टम के वायरिंग का इंस्टॉलेशन करना सबसे महत्वपूर्ण है, ताकि अगर इंस्टॉलेशन नहीं करते हैं, खुला वायर या टट्टा वायर को छोड़ देंगे तो क्या होगा, कभी भी झटका लग सकता है, नुकसान हो सकता है, शॉर्ट सर्किट लग सकती है, जिससे क्या होगा बिल्डिंग में आग लग सकता है। क्योंकि क्या होता है 1100 वोल्ट से 2000 वोल्ट तक का वो सप्लाई देता है एयर कंडीशन, चाहे एक टन का हो, चाहे डेढ़ टन का, चाहे दो टन का, उस पर लिखा हुआ रहता है, आप भी देख सकते हैं। कंट्रोल सिस्टम किसी भी इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम का महत्वपूर्ण अंग है। ये बात बिल्कुल सही है कि कोई ऐसा एक यूनिट होना चाहिए जहाँ से वो सभी चीज को कंट्रोल कर सके। जैसे हम बता रहे कि छोटे रिहायशी इलाकों के लिए क्या होता है, कंट्रोल रिले यूनिट का प्रयोग किया जाता है। रिले का क्या काम करता है, जितना ही वोल्टेज आपको देगा, जितना कि आपको चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं देगा। तो एक कंट्रोल पैनल होना चाहिए जहाँ से अगर इमरजेंसी पड़े तो हम वहाँ से पावर को ऑफ या ऑन कर सकें। या हमें ऐसा जरूरत पड़े कि इसका वायरिंग हमारे घर का, बिल्डिंग का, उद्योग का बदलना हो, तो क्या होगा, कंट्रोल वायर से, कंट्रोल पैनल से क्या करेंगे, वहाँ से ऑफ कर देंगे और फिर उसके बाद बदल देंगे। तो क्या करेंगे, वहाँ से भी स्विच को निकाल देंगे, फ्यूज को निकाल देंगे डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड से, यानी कंट्रोल पैनल से, ताकि वो अंदर सप्लाई ना जाए। हम पावर ऑफ कर दिए, देखिए क्या डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड में तो लाइन जा रही है, फ्यूज निकाल देंगे तो क्या होगा, वहीं तक वो सीमित रह जाएगी। महत्वपूर्ण है तो क्या कर रहा है कि क्योंकि इसका कार्य पूरे सिस्टम को कंट्रोल नियंत्रित, यानी क्या कर क्या होता है, जितना भी वायरिंग है जो आपके घर में सिस्टम लगा हुआ है उसको ये नियंत्रित करता है। किसी भी डिले कनेक्शन या अनियमित हो, जैसे कि हम अर्थ की दे रहे हैं, तो अर्थ में क्या लेट अर्थिंग या रॉड अर्थिंग हम ज्यादा करते हैं। अगर हम रॉड को नाला में या कहीं पर भी हम देखें नमी वाले जगह पर लगा दिए, 3 मीटर या 2 मीटर उसके गड्ढे में गाड़ दिए और हम उसमें अर्थ को कस रहे हैं, कसते वक्त हम ये ध्यान नहीं दिए कि वो ढीला है कि कसा हुआ है। अगर ढीला रह जाता है तो क्या होगा, स्पार्क करेगा, जैसे ही लोड डालिएगा तो क्या होगा, स्पार्क करेगा, या हो सकता है वो हिलते रहने से क्या होगा, वो लाइट क्या होगा, ऑन होगा, ऑफ होगा,
ये स्थान करते करते के बाद टूट जाएगा। जब ढीला रहेगा तो अर्थ कमजोर पड़ जाती है। तो इसी तरह से यहाँ पर भी है कि अगर हम ढीला लाइन को भी अगर कस रहे हैं, कोई भी तार को अगर उसे ढीला हम उसे अच्छी तरह से नहीं कस पा रहे हैं, टाइट नहीं हो पा रहे, तो क्या होगा, आप ही को नुकसान होगा। कभी कभी स्पार्क करेगा, स्पार्क करते करते क्या होगा, शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। इसलिए हम इसको ध्यान देना पड़ेगा कि ढीला ना हो, पूरा अच्छी तरह से टाइट कसा हुआ होना चाहिए। और ये भी ध्यान रखना देना होगा कि जो वायर हम यूज कर रहे हैं वो सभी एक ही प्रकार का वायर होना चाहिए। जैसे 2 mm का यूज कर रहे हैं, 2 mm का वो दूसरा भी होना चाहिए, यानी कि सभी वायर 2 mm का ही होना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि 1-2 mm का यूज कर रहे हैं, 1.5 mm का, तो क्या होगा, एक पर ज्यादा लोड पड़ेगा और एक पर कम, क्योंकि 2 mm क्या होगा, वो ज्यादा पावर एम्पियर को सहने की शक्ति उसमें रखता है, और 1.5 mm क्या होगा, उससे कम लेगा। किस पे लोड ज्यादा पड़ेगा, 1.5 mm। तो जब ढीला कैसे बैठेंगे तो क्या होगा, वो चीज खराब हो जाएगा या आपका वायरिंग खराब हो जाएगा। इसलिए सभी उपकरण के वायर को एक साइड में एक प्रकार के तार के साथ कसना चाहिए, या एक प्रकार का एक ही प्रकार का तार होना चाहिए, और उनका इंस्टॉलेशन भी समुचित निर्देशों के पालन को करते हुए होना चाहिए। यानी कि जो जो भारत विद्युत इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के द्वारा जो नियम बनाए गए हैं, जो निर्देश बनाए गए हैं इंस्टॉलेशन का, उसको समुचित ध्यान रखते हुए बनाना है आपको। अब हम देखते हैं जो इसमें तार का जो प्रयोग किए हैं, वो तार होना होता है कैसे, थर्मोस्टेट तार। देखते हैं थर्मोस्टेट वायर, इसमें जो भी प्रयोग होगा थर्मोस्टेट वायर के लिए प्रयोग होगा। कहते हैं बाहरी आवरण है, किस तरह से दिखता होगा ये हम देखते हैं। फिगर बना रहे हैं, यहां से तार है आया, केबल तार है, कन्वेंशनल केबल तार, यहां से एक निकलता है, एक तार तार निकाले, एक तार तार निकला, एक तार तार, कितने तरह के, 4 है, एक तो 3 फेज हो गया और एक अर्थ के लिए आप यूज कर सकते हैं, या जब हमको 2 फेज नहीं देना तो 2 फेज यूज करेंगे और एक अर्थ के लिए यूज करेंगे। ये है आपका क्या, थर्मोस्टेट वायर, थर्मोस्टेट वायर इस तरह का होता है। ये आपका 4 वायर, 4 कोर वाले वायर केबल का ये डायग्राम है। एक बार आप समझा देते हैं क्या कर रहा है कि इसमें जो उपयोग होगा पढ़ने सिस्टम में, वो बहुत तरीके से कर सकते हैं, और इसे इंस्टॉल करते वक्त हमें जो भारतीय नियामक बिजली बोर्ड द्वारा जो निर्देश दिए गए इंस्टॉलेशन के, उसी के अंतर्गत करना है, उससे बाहर जाकर नहीं। और जो छोटे व्यवसायों में जो किया जाता है वो क्या होता है, लो वोल्टेज कंट्रोल सिस्टम के द्वारा उसमें वायरिंग की जाती है, जो लो वोल्टेज के लिए है, कितना, 24 वोल्ट निश्चित की गई है। लेकिन चूंकि बड़े व्यवसायों में क्या करता है, कंट्रोल रिले लगा हुआ रहता है, तो उसके 24 वोल्ट के बजाय कितना देता है, 240 वोल्ट की कंडेंसिंग वोल्टेज सप्लाई देती है वो। और कितना होना चाहिए, तो अधिकतर 24 वोल्ट की कंट्रोल वायरिंग के साथ एक कितना
18 हर्ट्ज से 20 हर्ट्ज तक का होता है, जो मल्टी स्टैंड का होता है, यानी कि उसमें जैसे मल्टी कोर है इस तरह से, इसी तरह से इसमें होता है। और कह रहा है कि इसमें एक रबर का जैकेट यानी कि रबर का आवरण बना दिया जाता है, और उस जो उसमें नट बोल्ट कस रहे हैं उसके ऊपर वो लगा दिया जाता है ताकि पानी में भी पड़े तो उसको कोई असर ना हो। और इसके साथ टू स्टेज हीटिंग और टू स्टेज कूलिंग का उपयोग किया जाता है। आप ये समझ गए होंगे। धन्यवाद।